हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड टू, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 31, प्रोनाउंस. ओके, चैप्टर नंबर 31, प्रोनाउंस. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन. ओके स्टूडेंट्स, देखो प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन मतलब उसी इंसान के बारे में हमें जो बार बार दर्शाना है, तो वो प्रोनाउन के जरिए हम दर्शाएंगे. उसका बार बार नाम थोड़ी लेंगे हम बार बार नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह हम प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे. जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है हमें, मुकुल इज गुड एट स्टडीज. मुकुल बहुत अच्छा पढ़ता है. अब हमें उसी के बारे में बताना है और आगे सारे वाक्य, तो हम ऐसा थोड़ी कहेंगे बार बार कि मुकुल इज गुड, स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, मुकुल इज 6 ईयर ओल्ड. तो हम ऐसे बार बार उसका नाम का यूज़ नहीं करेंगे. हमें उसका बार बार नाम यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे मुकुल इज गुड एट स्टडी. ही क्या है? प्रोनाउन है, मतलब उसी के बारे में दर्शा रहे हैं हम. तो ही स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में पढ़ता है. ओके, द वर्ड ही स्टैंड फॉर द नाउन मुकुल. ओके, इसमें नाउन क्या है? मुकुल. और प्रोनाउन क्या है? द वर्ड ही इज ए प्रोनाउन. ओके, देखो नाउन क्या है? मुकुल, मतलब व्यक्ति कौन है? मुकुल है. और किसके बारे में? उसी के बारे में दर्शाया है. तो प्रोनाउन क्या है? ही है. ओके, लर्न दैट प्रोनाउंस. ओके, तो देखो प्रोनाउंस कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, दे, शी, इट, हर, देम. ये सब क्या है? प्रोनाउंस है. ओके, तो आपको ये सारे प्रोनाउंस लर्न करने हैं. देखो शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल, इसमें प्रोनाउन क्या है? शी है. आई लाइक यू, आई लाइक यू में प्रोनाउन क्या है? आई और यू. ओके, दिख रहा है ना हमें? आई और यू प्रोनाउन है. दे हेल्प्ड हर, दे हेल्प्ड हर, तो इसमें दे और हर ये क्या है? प्रोनाउंस है. ओके, देखो आगे, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, वी कैन विन दिस मैच. देखो वो मैच में जीत गया है, वो मैच में जीत गया है. विन, वो मैच में जीत गया है, तो इसमें कौन सा है प्रोनाउन? वी है, वो, मतलब वी, वो है. ओके, 2 नंबर, ग्रैंडमा टोल्ड हर ए स्टोरी. ग्रैंडमा सबको स्टोरी सुनाती है. ग्रैंडमा क्या करती है? ग्रैंडमा सबको स्टोरी सुनाती है. तो इसमें प्रोनाउन क्या है? हमें पता है नाउन तो ग्रैंडमा है, बट प्रोनाउन क्या है? हर, वो सबको सुनाती हैं. क्या करती हैं? ग्रैंडमा टोल्ड हर ए स्टोरी, वो सबको स्टोरी सुनाती है. 3 नंबर, आई मेट हिम इन ए क्लास. आई मेट हिम इन ए बस. ओके, आई मेट हिम इन ए बस, तो इसमें प्रोनाउन क्या है? हिम है. ओके, आई मेट, आई और हिम, देखो हमने देखा है ना, देखो ये रहा हिम और ये रहा आई, ये प्रोनाउंस है. ओके, नेक्स्ट देखो 4 नंबर, डू यू वॉन्ट टू अस स्टे. ओके, डू यू वॉन्ट्स अस टू स्टे, इसमें क्या है प्रोनाउन? यू और अस. मैंने आप लोग को बताया था ना, यू और अस, जिसे हमें दर्शाना है उसके लिए हमें प्रोनाउंस लगाना है. तो इसमें है यू और अस, उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. 5 नंबर, पिक योर शर्ट एंड पुट इट इन द कबोर्ड. ओके, अब इसमें क्या है प्रोनाउंस? इसमें प्रोनाउन है योर और इट. योर और इट हमें उसके बारे में दर्शा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? योर के नीचे अंडरलाइन करेंगे और इट के नीचे अंडरलाइन करेंगे. ओके, 6 नंबर, द बॉयज आर हंग्री, गिव देम सम सैंडविचेस. ओके, जो बॉयज हैं कैसे हैं? वो भूखे हैं. और गिव देम सम सैंडविच, उन्हें क्या दिया गया है? सैंडविच. तो उन्हें के लिए हमें कौन सा शब्द दर्शाया है? देम दर्शाया है, तो हम यहाँ पे देम के नीचे अंडरलाइन करेंगे. ओके, 7 नंबर, ही विश्ड द टीचर एंड शी स्माइल्ड बैक. ओके, ही विश्ड, उन्होंने टीचर को क्या किया है? विश किया है, और टीचर ने उन्हें क्या किया है? शी स्माइल्ड बैक, उन्होंने फिर पीछे पलट कर क्या किया है? स्माइल किया है. ओके, तो देखो इसमें प्रोनाउन क्या है? ही, उसने, उन लड़कों ने क्या किया है? बॉयज़ के लिए क्या यूज़ किया गया है? ही, और टीचर के लिए शी यूज़ किया है. तो ही एंड शी ये क्या है? प्रोनाउन है हमारे, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे. ओके,
नेक्स्ट एट नंबर में देखो, दे हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स. ओके, तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या है? दे है, तो हम यहाँ पे दे के नीचे अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो नाइन नंबर में, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी टू हेल्प हिम अक्रॉस द रोड. ओके, मैंने एक ओल्ड मैन को क्या किया है? क्रॉस करवाया है रोड. तो इसमें देखो प्रोनाउन क्या है? मी मतलब मैं, और हिम उनको. ओके, तो मैंने क्या किया है? मी और हिम क्या है? हमारा प्रोनाउन है, तो हम मी के नीचे और हिम के नीचे अंडरलाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट देखो टेन नंबर, आई गिव द कैट सम मिल्क एंड इट ड्रंक इट ऑल अप. ओके, मैंने कैट को मिल्क दिया और उसने पूरा मिल्क क्या किया है? फिनिश किया है. ओके, उसने पूरा मिल्क क्या किया है? फिनिश किया है. तो क्या है इसमें प्रोनाउन? आई और इट. आई और इट क्या है? प्रोनाउन है. ओके, तो ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ योर नेक्स्ट पेज. ओके, देखो एग्जाम्पल बी, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड री राइट द सेंटेंस देन रीड ईच सेंटेंस अलाउड. ओके स्टूडेंट्स, देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें वो लाइन दी गई है, उसमें हमें दे और इट में से किसी एक को यूज करना है जिससे हमारा सेंटेंस क्या हो, एकदम राइट हो. देखो यहाँ पे हम देखेंगे ये कैट क्या कर रही है, ये इसके अंदर है ना, तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन क्या पूछा गया है. वन नंबर, दिस इज ए किटन, द किटन इज इन ए बास्केट. ओके, तो क्या कहेंगे हम? जो कैट, जो किटन है मतलब जो बिल्ली का बच्चा है, वो कहाँ है? बास्केट के अंदर है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? दिस इज ए किटन, इट इज इन ए बास्केट. क्या आएगा इधर? द नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? इट आएगा. तो देखो हमें ऑप्शन में दिया गया है दे और इट, तो हम क्या यूज करेंगे? इट. इट हमारा क्या है? प्रोनाउन है. इट इज इन ए बास्केट. ओके, ये किसके? बास्केट के अंदर है. टू नंबर, लियो एंड विक्की आर फ्रेंड्स. लियो और विक्की फ्रेंड है. लियो एंड विक्की लाइक टू प्ले चेस. लियो और विक्की दोनों को ही क्या पसंद है? चेस खेलना पसंद है. तो देखो अब हम इसको बार बार थोड़ी नाम यूज़ करेंगे, हम इसमें इधर चेंज कर देंगे. तो हमें ऑप्शन में दिया गया है अस और दे. तो आप लोग को पता है हमें क्या यूज़ करना है? दो इंसान है, दो लोग है, टू बॉयज़ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दे यूज़ करेंगे, वो. लियो, तो देखो हम इस तरह लिखेंगे, लियो एंड विक्की आर फ्रेंड्स. दे लाइक टू प्ले चेस. उन्हें चेस बहुत पसंद है. थ्री नंबर, राजू इज माय ब्रदर. राजू इज 10 इयर्स ओल्ड. ओके, राजू इज माय ब्रदर, और राजू मेरा भाई है और वह 10 साल का है. तो हमें क्या करना है? हम बार बार राजू नहीं लिखेंगे, दो बार राजू नहीं लिखेंगे. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन में हमें दिया गया है शी और ही, तो हम क्या यूज करेंगे? ही, क्योंकि वो बॉय है, तो हमारा प्रोनाउन है ही. तो इस तरह हम आंसर लिखेंगे, तो हम इस तरह यूज करेंगे, राजू इज माय ब्रदर, ही इज 10 इयर्स ओल्ड. वह 10 साल का है. ओके, फोर नंबर, माय नेम इज कमल. कमल विल नाउ टेल यू ए स्टोरी. तो देखो कमल क्या कह रहा है? माय नेम इज कमल. कमल बता रहा है मेरा नाम कमल है. और वो ऐसे थोड़ी कहेगा कमल विल यू नाउ स्टोरी, कमल आपको एक कहानी सुनाने जा रहा है. नहीं, वो क्या कहेगा? देखो ऑप्शन में हमें दिया गया है मी और आई, तो हम किसका यूज करेंगे? आई का. इधर हमारा आई प्रोनाउन है, तो हम आंसर इस तरह लिखेंगे, माय नेम इज कमल, आई विल नाउ टेल यू स्टोरी. मेरा नाम कमल है और मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट देखो फाइव नंबर में, वीना स्टडीज इन ए बोर्डिंग स्कूल. वीना इज लर्निंग हॉर्स राइडिंग. ओके, वीना स्टडी इन ए बोर्डिंग स्कूल. वीना है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, मतलब हॉस्टल में पढ़ती है. वीना इज ए स्टडी, जो वीना है वो बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल में पढ़ती है. और वीना इज लर्निंग हॉर्स राइडिंग, और वीना क्या कर रही है? लर्न, पढ़ाई कर रही है, और साथ में हॉर्स राइडिंग भी कर रही है, मतलब घुड़सवारी भी सीख रही है, घोड़े की सवारी भी सीख रही है. तो इसमें किसका यूज होगा? शी का कि देम का? तो हम किसका यूज करेंगे? शी, क्योंकि वो गर्ल है, वो गर्ल है, तो हम शी का यूज करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? वीना स्टडीज इन ए बोर्डिंग स्कूल.
शी इज लर्निंग हॉर्स राइडिंग. वह शी मतलब गर्ल्स के लिए हमें शी यूज किया जाता है तो हमने यहाँ पे लिखा शी. ओके, तो इस तरह हमारे क्वेश्चन आंसर रेडी हो गए हैं. आज आपको क्लास वर्क में अपनी वर्कबुक में चैप्टर नंबर 31 कंप्लीट करना है पेज नंबर 4040 तक. ओके, और होमवर्क में ये सब आपको नोटबुक्स में राइट करना है एंड रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.